मैंने कभी देखा ही नहीं। राधा जी ने भी ऐसे ही पहले कभी देखा नहीं कि यही पहली बार देख रही हूँ। इस प्रकार नित्य नव नवारंभ रूप में जब कृष्ण के प्रति की इस भावना का उदय होता है तब उसे अनुराग कहा जाता है। और वही अनुराग जब कि स्वसंवित्त दशा जावदास्त वृत्ति को प्राप्त हो तब भाव होता है कि जब अपने हृदय में भावों को कंट्रोल नहीं कर सकते, भाव अपने आप उदित होता है और अपने में ही समाता है। इसलिए ऐसी स्थिति को कहा गया है भाव। और भाव की स्थिति में विश्वभानु नंदिनी जो कि पूर्णा पुलिंद मृगाय उपदाव्य राग और ये राधा जी के कुछ कुमकुम हैं, जिस कुमकुम को एक कुमकुम घासों के ऊपर लगा हुआ है श्री कृष्ण के चरण से स्पर्श प्राप्त। और पुलिंदी कन्याएं जहाँ की प्रक्रिया पुलिंदी कन्याएं जो नीच जाति वाली कही जाती है साधारण जाति की, वे सब कन्याएं जब कि इस कुमकुम को देखा उसे स्पर्श करके एकदम भाव में विवाहित हो गए। तो राधा जी के भाव कैसे हैं और राधा जी स्वयं उस भाव में विवाहित हो करके कैसी हैं, देख रही हैं इन पुलिंदी कन्याओं को कितना अनुराग है कृष्ण के प्रति, जिस कुमकुम के स्पर्श से ही उनके हृदय में भाव उदय हुआ। दैता स्वयं राधा जी है और राधा जी अपने भाव को व्यक्त कर रही है जो कि स्वयं ही कह रही है, देखो इन लोगों को इतना अनुराग मेरे अंदर अनुराग नहीं है। जिसका जितना प्रेम होता है उतना ही समझता है, दैतवा समझता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे अंदर भक्ति नहीं, मेरे पास प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम शून्य मानकर और भी उत्कंठित अनुराग युक्त हो जाती है। तो राधा जी के भावों का ऐसे वर्णन हुआ है, इसलिए इस श्लोक की अवतारणा हुई है। और भी हमारे आचार्य पादों ने गोस्वामियों ने कहा कि अनुराग में राधा जी जैसे कृष्ण से कुंज क्रीड़ा करके बाहर आई और जैसे ही सखियों के मुंह से कृष्ण का नाम सुना, अरे सखी कि किसका नाम है इतना मधुर, कभी तो मैंने जीवन में सुना नहीं, वो पुरुष कौन है, मैंने तो देखा नहीं। तो ललिता जी कहती हैं राधे राधे तुम बाबी बन गई हैं, क्या तुम उसको पहचानती नहीं जिनके साथ लीला विनोद किया, अभी 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 तुम भूल गई। यह है भाव की पराकाष्ठा अनुराग में चलते भी राग अनुराग भाव महाभाव। तो इस प्रकार राग में कृष्ण प्रति की भावना, कृष्ण सुख की भावना रहती है, अपने दुख को कष्ट को नहीं देती और न समझ पाते, ये राग का लक्षण है। अनुराग में कृष्ण को नित्य नव नवार मन में अनुभव करा दे, इसी को अनुराग कहा जाता है। और उसके ऊपर में जाता है भाव जब जावदाश्रय वृत्ति स्वसंवित्त दशा स्थिति को प्राप्त कर ले, अर्थात भाव उस समय कंट्रोल में नहीं रहता है, जितना चाहे उतना प्रकाशित हो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे महाप्रभु जी में ऐसे राधा जी में और ब्रज गोपियों में भी भाव देखे गए हैं। इसलिए पूर्णा पुलिंद मृगाया पदाब्ज रागम इस बेहंगीत के द्वारा गोपियों के भावों का वर्णन हुआ है। राधिका जी ही इस श्लोक को कह रहे हैं और इस वन की पुलिंदियां पुलिंदी चुप्पियां इनका ही जीवन धन्य है, ये कृतार्थ हो चुकी है। दैतास्तर मन लेते हैं, मैं ही सबसे प्रिय दैता हूँ, कृष्ण की प्रियतमा हूँ, ये तो भूल गई और उसी को करें और किसी प्रियतमा के मस्तकल का कुमकुम कृष्ण के चरणों में लग गया। और फिर चरण से जब कृष्ण कोष भरी घासों पर चलते हैं तो कुमकुम घासों पर लग गया और उसे देख करके ओहो ये पुलिंदियां उनके पुलिंदियों के हृदय में काम बढ़ गया।
उत्पन्न हुआ, उस कुमकुम में इतनी शक्ति है कि उनको काम हुआ पहले, और जब काम हुआ, काम से प्रेरित हो गई, तो उसको शांत करने के लिए उन्हीं कुमकुम को अब ग्रहण करके अपने मुख में और सब जगह में भी पहुंच सकती है। देखो तो ये पुलिंदिया धंधे इनका कितना अलग है, हमारा तो इनके जैसा अनुराग नहीं है। ये महाभाव का ये लक्षण है। इस तरह से यदि पुलिंदियों का कृष्ण के प्रति अनुराग इतना है तो गोपियों को कितना होगा, और गोपियों में यदि इतना अनुराग होगा तो राधा जी में कैसा अनुराग है, ये वर्णन से पता चलता है। बहुत सुंदर वर्णन है। Therefore, this verse in the Srimad Bhagavatam has been spoken by Srimati Radhika herself. Her condition is such that she is forgetting that kumkum that is now on the feet of Krishna, that is her kumkum. Where has it come from? It has come from her body. But being bewildered, these are the symptoms of Mahabhav, that she is saying, "Oh, some beloved, Krishna has taken the kumkum from some beloved upon his feet. That kumkum from the body of that beloved has come on the feet of Krishna somehow." And the pulindis, seeing that kumkum on the grass, thereby seeing that their calm, their lust has been awoken. So first their calm was awakened, and in order to pacify that calm, they took that kumkum and smeared upon their bodies and upon their face. Therefore, if the Pulindis have so much anurag towards Krishna, imagine the anurag in the gopis. And if the gopis have so much anurag towards Krishna, imagine the anurag that Srimati Radhika has towards Krishna. Samasta sadhano ka prayojan kisi prakar se jeev ke hriday mein ye prem udit karana hai. Samasta sadhano समस्त आचार्यों का विशेष करके महाप्रभु की धारा में आए हुए यही जीव का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने विभिन्न देशों से यहाँ से आप लोगों को निमंत्रित, ये सब कथाएं जगत में नहीं होती। सुखदेव गोस्वामी ने जो ये रसगत विचार जो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, सुनाने का लक्ष्य क्या है, उनकी सेवा को देख करके हमारे मन में ये उदित हो ये ऐसे ही प्रेम की आवश्यकता, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यदि लक्ष्य ठीक हो गया फिर उपदेश से आ गया। इसीलिए परीक्षित महाराज इन सब विषयों को, उनके प्रेम को, प्रेम का वर्णन करते हैं। और Therefore, all the scriptures have described that the topmost achievement or prayojan is this prema of the gopis, especially the conception coming from the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, all jivas should understand that this is their topmost goal, and they should fix it very firmly in their hearts. Therefore, this katha that we are hearing, this is not being spoken here and there. We are very fortunate to hear this here. And what is the reason we are hearing such topics? By hearing these topics, we can develop some greed. Oh, if I could achieve this topmost prem, my life would be successful. In this way, we fix our goal. And how to achieve that goal? Then we come to the teachings of Sri Rupa Goswami as given in Sri Upadeshamrita. Therefore, Pariksit Maharaj, with this intention in his mind, is speaking such nectar katha to his mother. Thank you. Thank you.
Yeah.
धरती से Yeah.
मानिक राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव विजय राधा गोविंद बिहारी जीव विजय परि जो पावन हरि गोविंद आनंद गौर प्रदात गौर विष्णु प्रिया प्रभु की जय परमात्म तो नित्य नवा कृष्ण परम हंस सामस्त नर श्री श्रीमान भक्ति का दवाम विश्व महाराज की जय ओम विष्णु पाद पद पदवाचार्य श्री नर श्री श्रीमान भक्ति का दवाम विश्व महाराज की जय नित्य नवा कृष्ण भक्ति प्रज्ञान किशोर विश्व महाराज की जय जगत गुरु प्रभुपाद की कृपा गुरु वर्ग की हरि गुरु कृष्ण की स्वागत भक्त मंडली की बहुत प्रेमानंदे हरे कृष्ण कल हमरा नंदराम नंदर रास्ता प्रेम सरोवर संकेत नंद बाबा क्रीड़ा उद्धव कियारी ललिता कुंड नंद भवन नंद बाबा राजमहल एक कदम रूप गोस्वामी भजन कुटी आशीषेश्वर महादेव पावन सरोवर सनातन गोस्वामी भजन कुटी एवं सरोजन पहाड़ी कल हम लोग नंदगांव जाएंगे रास्ते में प्रेम सरोवर संकेत उद्धव कियारी नंद क्रीड़क ललिता कुंड नंद भवन नंद बाबा के राजमहल एक कदम रूप गोस्वामी के भजन कुटी आशीषेश्वर महादेव पावन सरोवर सनातन गोस्वामी भजन कुटी चरण पहाड़ी और कल के दिन में ही कृष्ण ने गोचर लीला शुरू की थी अष्टमी तिथि के दिन ये बहुत ब्रज में का बहुत महत्व है जो गोपाष्टमी कहते हैं टुमारो विल गो टू नंदगांव द रॉयल पैलेस ऑफ नंद बाबा ऑन द वे फर्स्ट विल गो प्रेम सरोवर देन संकेत नंद खीडर मीन सर नंद बाबा टू कीप हिज काउस उद्धव कियारी मीन सर उद्धव वेंट टू ब्रज मीट विद गोपीज टू सरस्वती राधिका एंड फ्रॉम ऑल दिस प्लेस टू प्लेस देयर ललिता कुंड एंड तेर कदंब तेर कदंब मीन्स भजन प्लेस ऑफ स्वरूप गोस्वामी पार्क आशीषेश्वर महादेव पावन सरोवर भजन प्लेस ऑफ सनातन गोस्वामी पार्क एंड चरण पहाड़ी पच्चीस फुट मार्च ऑफ श्री कृष्ण एंड टुमारो इज गोपाष्टमी इज वेरी डे कृष्ण स्टार्टेड ब्लेसिंग कप्स फर्स्ट आफ्टर दैट ही स्टार्टेड काउ ब्लेसिंग काउस आल्सो सो दिस वन इज वेरी ऑस्पिशियस डे नो वन विल बी हियर ट्राई टू हैव एज फास्ट पॉसिबल टू गो टू टेक दिस दर्शन कल आप लोग जो जिस बस में बैठते हैं या बैठते हैं अपने अपने बस में सीट में बैठेंगी आपका जे बस जे बस में सीट जो खाने को सुबह जे जे नाम और बस देखा सुना कुछ चल आपका जे बस देखा सुना कर बैं मेरे नाम से हरे कृष्ण तो tomorrow we go by bus again not so far but still all the devotees who have come in buses yesterday I request you go and sit in the same places so that there will be no unnecessary disturbance. And those who have not gone yesterday, be a little patient that we will accommodate all of you, but don't try to take anyone's seat. Thank you so much. We will be just after. Just after morning, I think we will proceed to the buses and leave for our destination in the car. Mangalarti, ঠিক পরেই আমরা চলে যাব। এটা মঙ্গলারতির পরে আপনারা বাসে বসে যাবেন। অনেকে নতুন ভক্তগণ এসেছে তারা টিকিট করেননি। আমাদের ভক্তগণ বসার পরে আপনারা বাসে চড়বেন। কিছু ভক্ত লোক আয়ে হুয়ে হ্যায়, লোক টিকিট নেই হ্যায়, পরিক্রমা ফিস ভি জমা নেই কিয়া হ্যায়, ফির ভি পরিক্রমা কর রহে হ্যায়, কিছু দিন সে গোট মে রহ রহে হ্যায়। तो वो लोग हम लोग के पास जब जाने के बाद वो जाएगा हम तो बैठेंगे और जाति से ना कम क्यों ना करें सो मेनी डिवोटी हैज कम इन गोवर्धन दे आर नॉट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड स्टिल दे आर स्टेइंग हियर एंड टेकिंग द एडवांटेजेस सो आई एम हमली रिक्वेस्टेड टू देम इफ एनी वैकेंट प्लेस देन दे कम लेटर ऑन डोंट ट्राई टू पुश अदर्स थैंक यू फॉर गोपालस ब्रेकफास्ट एंड प्रसाद इन सर ऑन द वे डोंट वरी फॉर दैट प्रसाद एवं जल खबर हमने रास्ता ही देवा कर चिंता कर बैन ना कलेबा दोपहर का प्रसाद रास्ते में दिया जाएगा उसको चिंता ना करें One more quick announcement. The other day, we handed out about 250 or 300 photocopies of a letter
which has been written to explain to all the devotees in our Sangha and those who are present here in Govardhan about Gurudev's formation of new society. And also attached to that letter was a small piece of paper upon which any of the devotees may suggest any name for our new society. So we're requesting that any devotees who have not yet turned in those little pieces of paper, so if you want to suggest any name for our new society, Srila Gurudev desires this, so then you have the opportunity within the next couple of days to return those papers to us, for any one of myself, Kishori Mohan, Sudevi, Bhagwat Prabhu. Yeah, and also at the registration booth, you can return there. And yet, for those who have not received this letter, we still have about 50 copies remaining. So if you want to receive them, then you can come to Kishori Mohan or go to the registration booth and you can receive one of these letters. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.